वालेकुम और सबको ईद मुबारक। आज ईद है और सबके घर में शीरखुरमा तो बनता ही है। कल जैसे मैंने कहा था कि मैं कल ईद के दिन शीरखुरमा बताऊंगी, तो बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मैंने ये शीरखुरमा बनाया है, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बना हुआ है और बहुत ही इजी मेथड से है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ देखिए, अगर आपको पसंद हो तो ट्राई भी कीजिए अपने घर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये तो देखते हैं शीरखुरमे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये मेरे पास 1 लीटर के इतना दूध है, सिवैया है, सिवैयों का मैंने ये पैकेट यूज़ किया था, रोस्टेड सिवैया आप लीजिए। कुछ एक मुट्ठी सिवैया यूज़ की है मैंने, उसको तोड़ लिया है अच्छे से। ये एक बड़ा कप भर के शक्कर, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास, और एक बड़ा चम्मच घी। देखिए मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया है, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं शक्कर। अगर आपको शक्कर कम चाहिए तो आप कम यूज़ कीजिए। इसको अच्छे से हमको पकाना है, दूध की सारी स्मेल ख़त्म होनी चाहिए, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए। ओके, दूसरी साइड हम लोग ड्राई फ्रूट्स और सिवैये को फ्राई करेंगे। एक अलग पैन में आपको घी गरम करना है। इसमें जो आपके ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड करना है। आप ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है तो मैंने कम लिया है। इसको अच्छे से फ्राई करना है आपको, क्रिस्पी होना चाहिए, शीरखुरमे में क्रिस्पी ड्राई फ्रूट्स यूज़ होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये हल्का गोल्डन हो चुका है हमारा ड्राई फ्रूट। सिवैया ऐड कीजिए, 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करना है। दूध ऑलमोस्ट हमारा उबल चुका है, अब जो दूध उबल रहा था उसमें से 1 चम्मच मैं इस मिक्सचर में डालूंगी। और 1 चम्मच डालकर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप ये डायरेक्ट दूध में मिक्स करोगे तो हो सकता है दूध फट जाए। हल्का इसको ठंडा करना है और दूध में ऐड करना है बस। दूध हमारा जो है वो अच्छे से उबल चुका है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये ड्राई फ्रूट्स और सिवैया ऐड करेंगे। इसमें आप लोग मिल्क मेड यूज़ कर सकते हो, मावा यूज़ कर सकते हो, मैंने फ़िलहाल नहीं किया है, आप लोग अगर करना चाहो तो कर सकते हो। सिवैया अगर किसी को ज़्यादा पसंद हो तो सिवैया का यूज़ ज़्यादा कीजिए। पांच मिनट के लिए इसको पकने दें,
और ये रेडी हो जाएगा। इसमें अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। सिवैया आपकी थोड़ी सी नरम होने लगे तो समझ जाइए ये ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने शीरकुरमे में ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की है, बहुत ही ईजी शीरकुरमा आपको बताया है। आपको अगर और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने आप करो, मिल्क मेड यूज़ करने आप करो, बट मैंने कम चीज़ों के साथ आपको शीरकुरमा सिखाया है। आई होप आपको पसंद आया हो सबको। और ये रेडी है। ये है रेडी हमारा शीरकुरमा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत ही इजी। जिन लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ घर में ट्राई करें। ओके, तो सबको ईद मुबारक फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है मेरी तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो एंड कमेंट अगर जो भी ये रेसिपी ट्राई करता है। थैंक यू।